हेलो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपका ओनली जीके ट्यूटर चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग 21 जून 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सीएचएसएल और एसएससी के अकॉर्डिंग और जो रेलवे एग्जाम्स है उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ऐड कर दूंगा, ताकि आपके रिवीजन के साथ साथ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल करने की बात कही है? हाल ही में जो बैंक पूरी तरह से जो अपनी लोन प्रक्रिया है उसका जो लोन की जो प्रोसेस है उसको डिजिटल करने की बात की है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथनिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ध्यान रखना, विश्व एथनिक डे की बात कर रहे हैं, ये किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या बनता है? 19 जून को, 19 जून को बनाया गया था। और एथनिक डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत कम यूट्यूब चैनल्स ऐसे होंगे जो आपकी इसकी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम्स में सीएचएसएल के और एसएससी और एनटीपीसी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला खादानों के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया है? तो वो है, बिल्कुल सही है, 41। 41 खादान हैं जिनकी प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। किस शहर में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी के लिए एयरवेंटी ऐप लॉन्च की गई है? एयरवेंटी ऐप ये किस शहर में की गई है? ये आज ही का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। देखिए, महाराष्ट्र के बारे में सबसे पहले देखते हैं इसका जीके कि महाराष्ट्र की जो स्थापना थी वो कब हुई? वो हुई थी 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को। मराठी भाषा वहां पर बोली जाती है, ठीक है। साथ में ही यहाँ की राजधानी जो है वो है मुंबई। अब देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में है, ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर क्या है? सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं महाराष्ट्र में, आप सभी जानते हैं। अजंता की गुफाएं हैं, सतमाला की गुफाएं हैं। अरब सागर महाराष्ट्र के वेस्ट में है, पश्चिम में है, जबकि उत्तर प्रदेश और गुजरात इसके क्या है? नॉर्थ में है, उत्तर में है अगर आप देखेंगे। और पूर्व में छत्तीसगढ़, साउथ में क्या है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये दो राज्य जो है वो क्या है? इसके साउथ में स्थित है, ठीक है। अगर बात करें नदियां कौन कौन सी है महाराष्ट्र में, तो गोदावरी, भीमा और कृष्णा, ये तीनों नदियां मुख्य नदियां हैं। कृषि की बात करते हैं तो तिलहन की खेती बहुत उत्पादक है, मूंगफली यहाँ पर होती है, सोयाबीन की खेती की जाती है, सूरजमुखी की खेती की जाती है। नकदी फसलें, आप कह रहे होंगे नकदी फसलें क्या है? जिनको बेचकर पैसा कमाया जा सकता है या जो सिर्फ पैसा कमाने के पर्पज से की जाती है, जैसे गेहूं है। अगर आप गेहूं करेंगे तो आप हम खाने के कारण भी उसको उगाते हैं, लेकिन अगर आप गन्ना कर रहे हैं या कपास कर रहे हैं तो आप उसको खा नहीं सकते। कितने गन्ने खा सकते हो आप? नहीं खा सकते ना, वो हम लोग बेचने के पर्पज से उगाते हैं। तो ये क्या है? नकदी फसलें व्यापार में काम आती हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए लोक नृत्य अगर महाराष्ट्र की बात करें तो लावणी बहुत अच्छा है, ये नोज की साड़ी पहनकर किया जाता है। धनगजी गाथा ये बहुत अच्छा है। पोवाड़ा यहाँ का लोक नृत्य है, काला यहाँ का लोक नृत्य है। अगर अजंता की गुफाएं फेमस है, ठीक है, औरंगाबाद में एलिफेंटा गुफाएं, काटला गुफाएं, पंचनगी है ना, अम्बोला की गुफाएं बहुत फेमस है। अगर यहाँ की जातियों की बात करें तो भील, कोया, खोंड, कोल, विरगो है, एग्जाम में पूछा गया था, विरगो है, ठीक है। कमार, यहाँ पर नेशनल पार्क कौन से हैं? पेंच नेशनल पार्क है, टडोवा नेशनल पार्क है और चंदोली नेशनल पार्क है। तीनों पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेशन आपको मेरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने के लिए हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? कौन सा बैंक है? वो बैंक है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक, आपको मेरी तरफ से आज का पहला क्वेश्चन, कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पेट्रोलियम कहाँ पर अपना ग्लोबल बिजनेस सेंटर खोलेगा? वो राज्य कौन सा है? बिल्कुल पुणे महाराष्ट्र में खोलेगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आज के इस सेशन से आपको रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें वो क्वेश्चंस भी लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए जरूरी है सीएचएसएल को लेकर। हाल
हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाली सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा? तमिलनाडु के बारे में अगर जानकारी दूं तो 1 नवंबर 1956 को ये राज्य बना। नदियां हैं पालार नदी यहाँ पर फेमस है, कावेरी नदी यहाँ पर फेमस है, अमरावती चिन्नार यहाँ की फेमस नदियां हैं। कृषि खेती होती है, चाय की, कॉफी की, इलायची की, रबड़ की खेती की जाती है। ठीक है, अगर बात करें मैं कहूँ आपको बंदरगाह की, तो चेन्नई और तितुकोरिन बंदरगाह बहुत फेमस है। ठीक है, एक नागापट्टनम सहित यहाँ पर टोटल 7 बंदरगाह आते हैं। यहाँ का त्यौहार पोंगल यहाँ पर फसल कटाई पे किया जाता है। जल्लीकट्टू, साड़ी की लड़ाई है ना, सांडों की लड़ाई होती है जल्लीकट्टू, आपको पता है। ठीक है, आदि पेरुकू है यहाँ कर, और वेलियंत्री है, केंतिंग के दीपम यहाँ का त्यौहार है। त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के, तो त्यौहारों को आप अच्छे से जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए। लोक नृत्य है भगवा कथा नतम नंदनम है, भरतनाट्यम यहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चक्की हटनम ध्यान रखना, चक्की हटनम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ की जनजातियों की, तो यहाँ पर अदियान, ठीक है, इरुल, कादार, कनियान और कोचुचेल्लर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ की जनजातियाँ हैं। पुरस्कार दिया जाता है यहाँ साहित्य में कलाईमी मानी, और जो कि तमिलनाडु सरकार देती है फिल्म पुरस्कार। ठीक है, अब देखिए ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर ले, ताकि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर याद कर पाए। ध्यान रखना एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कोल्ली हिल्स कालाराड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार किस देश की जीडीपी नेगेटिव ग्रोथ अनुमान लगाया है? तो देश कौन सा है? बिल्कुल इंडिया। इंडिया की पहली बार 8 साल में पहली बार नेगेटिव रेट आई है जीडीपी की। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस देश में 4500 अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि की है कि वो वापस से इनको बुला रहा है? तो वो देश है जर्मनी। जर्मनी में 9500 जो सैनिक थे वहां पर ठिकाने थे, उनको वापस से अमेरिका के राष्ट्रपति ने बुला लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। किस देश की संसद ने उत्तराखंड के पैथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाली नए नक्शे को मंजूरी दे दी है? बिल्कुल वो है नेपाल। हमारा ये बहुत ही अच्छा दोस्त था, लेकिन हाल ही में चाइना के साथ मिलकर इसने बहुत सारे वो जो किए हैं अपने मैप में चेंज करना, भारत की बॉर्डर के साथ जो छेड़छाड़ की है, उसके सजा हम इसको जल्दी ही देख कर रहेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत ने संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितनी सहायता प्रदान की है? ये सहायता आपको बतानी है, तो ये सहायता है 2 मिलियन डॉलर की, 2 मिलियन डॉलर की सहायता इन्होंने दी है। नाबार्ड ने किसानों को ऋण देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों को कितनी राशि जारी की गई है? तो ये राशि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, 20,500 करोड़ रुपए ये राशि जारी की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राष्ट्र ने अपने नए नक्शे में काला पानी, लिपु लेक और लिपियाधुरा जैसे विवादित जो क्षेत्र हैं उनको भी शामिल कर लिया है? और देश है नेपाल। आपको बताया था नेपाल ने अपने मानचित्र में चेंजेस कर लिए, मैप में चेंज कर लिया है, और नेपाल पर अभी जो कंट्रोलिंग चल रही है चाइना इस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और चाइना और इंडिया का जो डिस्प्यूट है वो भी अभी चल रहा है, हाल ही में विवादों में है बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि भारतीय सेना चीन पर अभी हावी है, तो चीन को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आपको सेशन पसंद आता है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे उससे मोटिवेशन से मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, और मैं स्टडी की इन्फॉर्मेशन जो आपको बता रहा हूँ वो आपको कैसी लग रही है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन है, 2.81 करोड़ जो विद्यार्थी हैं लाभार्थी हैं उनको कितना पैसा प्रदान किया जाएगा? चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हो, विधवाएं हो या अलग अलग व्यक्ति, उनको कितना पैसा प्रदान किया जाएगा? वो है 2,814.5 करोड़ की राशि दी जाएगी। डाटा कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो डाटा को बिल्कुल याद रखें। अगला क्वेश्चन, जिसने खनन उन्नत भारत सरकार के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की लॉन्च जो योजना थी उसको लॉन्च किया है, तो किसने किया है? खनन उन्नत ये योजना की है प्रहलाद जोशी ने। ठीक है, अब आपको दूसरा मेरा आज का क्वेश्चन है, प्रहलाद जोशी किस चीज से जुड़े हुए हैं, ये कौन से मंत्री हैं? अगला क्वेश्चन है,
BMW समूह इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? BMW समूह है, बिल्कुल सही है। इसका है विक्रम पाहा। विक्रम पाहा को इसके प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्लास पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए, प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए जो ऑनलाइन फैसिलिटी की थी, अब उसमें बैन लग गया है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने से बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। एक तो बच्चा उतना क्लियर नहीं कर पाता, बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं होती, उसको समझ नहीं पाता है बच्चा, पूरी कंट्रोलिंग नहीं होती, और बच्चों की आंखों और उनकी हेल्थ पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने पूरी तरह बैन कर दिया, छोटे बच्चों को किसी भी तरह के मोबाइल और लैपटॉप से दूरी बनाए रखना ज़्यादा अच्छा है। आज का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थशास्त्री अमर सिंह ने तय काम के लिए जर्मनी पुस्तक व्यापार के प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। किसके लिए दिया है? ये जीता है क्वेश्चंस ऑफ ग्लोबल जस्टिस के लिए। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में 90% से ज्यादा लोग सही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहिए, एग्जाम के लिए मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। किस भारतीय राज्य ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो लोगों को मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी देने में सक्षम बनाता है? तो वो मोबाइल एप्लीकेशन क्या है? वो है तेलंगाना। किसकी है? तेलंगाना है। देखिए, अगर मैं बात करूँ तेलंगाना, तो आप ध्यान रखना तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। आप ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये आपको आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। देखिए, करंट अफेयर्स को तैयार करने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है रिवाइजेशन। आप बार बार इनको पढ़िए, दो बार वीडियो को देख लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे देता हूँ, आप टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। मैं आपके लिए, आपसे सजेशन ले रहा हूँ, क्या आप मई मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स आते हैं, जिसमें मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन कराऊंगा, टॉप 100 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के करवा दूंगा मई मंथ के, तो आपको पूरा तैयार हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो यस सर टाइप कर देना, यस सर, तो मैं आपको ये अवेलेबल करवा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।